अग्निपथ के विरोध में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय हमीरपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें वहीं सदर कोतवाली पुलिस द्वारा रोक दिया गया और फिर सदर एसडीएम ने पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया, जिसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय में, जो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो सैनिक की भर्ती को लेकर जो नई नियमावली जारी हुई है उसको लेकर ज्ञापन था, और आज हमीरपुर मुख्यालय में भी आम आदमी पार्टी हमीरपुर के सभी साथियों ने ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन प्रशासन चाहता है कि युवा मौन रहे, विपक्ष मौन रहे, देश की जनता मौन रहे, किसी मुद्दे पर कोई आवाज़ ना उठाई जाए। प्रशासन ने आज हम लोगों को हमारे जिला कार्यालय में नज़रबंद करके और एक न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी को भेज के यहीं हमारा ज्ञापन लिया। हम लोगों को बाहर मार्च करते हुए जाने की कोई परमिशन नहीं दी, और हम लोग सिर्फ जबकि इतनी सी मांग थी कि जो सैनिक भर्ती है, जो सैनिकों की भर्ती है, वो जो पुरानी सेवा नियमावली है उसी आधार पर किया जाए। सरकार ने एक नया नियम जारी किया है कि अब मात्र 4 साल के लिए भर्ती होगी। अब एक 4 साल में 6 महीने उस सैनिक की ट्रेनिंग पीरियड होगी, उसमें भी उसको 9 महीने की छुट्टी मिलेगी। 3 महीने 1 साल के हिसाब से 9 महीने छुट्टी हो गई, 15 महीने 4 साल में 15 महीने उस सैनिक के मतलब बिना ड्यूटी के निकलेंगे, और उतने अल्प समय में एक सैनिक को बॉर्डर में लगाया जाएगा, एक अनट्रेंड, एक आप अनस्किल्ड कह दीजिए, उसको लगाया जाएगा। तो ये देश की सुरक्षा के लिए भी और उस सैनिक की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई होगी, उसके लिए भी खतरा है। तो सरकार से आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जो सैनिक भर्ती नियमावली है वो पुरानी नियमावली बहाल की जाए। इस सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर, हम बहाना शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में चुनाव हुए, इसी कोरोना काल में लाखों लोगों की रैली, भीड़ में लाखों लोगों की रैली खुद प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करी, मुख्यमंत्री जी ने संबोधित करी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने संबोधित करी, उसके बावजूद पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। तो सरकार नियमावली के, पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती निकाले ताकि देश के युवाओं को रोजगार का और देश की सेवा करने का मौका मिले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।